दोस्तों, अगर आपके कंधों के आसपास बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस यानी कड़ापन है, कंधों में अमूमन दर्द रहता है, थोड़ा सा भी हाथ उठा लें या कि फिर कोई काम कर दें तो कंधों में कभी भी अचानक नसें जो हैं खिंच जाती हैं, फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है, छाती के अराउंड बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस लगती है, बैक मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हैं, गर्दन के अराउंड बहुत ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी देर तक एक जगह पर बैठ के काम करना पड़ता है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आज की वीडियो में बताए जाने वाले जो सारे अभ्यास हैं वो आपके शोल्डर्स के अराउंड जो स्टिफनेस है, कड़ापन है, इसको कम करेंगे, वहाँ पर लचीलापन बढ़ाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इम्प्रूव होगी और साथ ही आपके कंधों के अराउंड जो दर्द अगर होता है तो वो दूर होगा, और अगर नहीं है ज़िंदगी में कभी भी आपको शोल्डर पेन यानी कंधे में दर्द की समस्या या फ्रोजन शोल्डर की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। साथ ही अगर इन अभ्यासों को निरंतर करते रहते हैं तो गर्दन के अराउंड दर्द, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, चेस्ट के अराउंड की स्टिफनेस भी कम होगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, कोई भी अभ्यास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छी तरीके से बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? जरा इस चीज को भी समझ ले कि ये कंधों के अराउंड दर्द होता क्यों है और इससे किस तरीके से निजात पाई जा सकती है। तो कंधों के अराउंड दर्द या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द जो है स्टिफनेस के कारण होता है, जब हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से होती है कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी कि बस सुबह उठे, बेड से उठे, ऑफिस गए, अपनी कार में बैठ के ऑफिस में काम किया, वापस आए, डिनर किया और सो गए। तो बॉडी की जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, वो जितना कम होगा ना उतना ही ज्यादा कड़ापन बढ़ता जाएगा, और जब कड़ापन बढ़ता जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वहां पर होगा नहीं अच्छी तरीके से, और कड़ापन और बढ़ने के कारण अगर कभी भी गलती से आपने ज़्यादा खिंचाव कर दिया या कि फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा उन मसल्स पे, तो वो मसल्स ऑलरेडी वीक होगी और फिर वो सबब बनता है कहीं ना कहीं दर्द का। तो चाहे गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये सारे के सारे दर्द एक्सेसिव स्टिफनेस के कारण होते हैं, यानी कड़ेपन के कारण होते हैं। कड़ापन जितना कम होगा आपके शरीर में उतना ही आप हल्का महसूस करेंगे, उतना ही आपका जीवन जो है इन दर्द से छुट्टी पा चुका होगा। सबसे पहले अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में आपको कंफर्टेबल होके फासला करके खड़ा हो जाना है, यानी लगभग एक फुट का फासला अपने कमर के जितना फासला करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को इस तरीके से आपको आपके थाई के साथ इस तरीके से जोड़ लेना है, अलर्ट और सावधान। फिर उसके बाद आप जब अभ्यास करेंगे ना तो सांसों को भी सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे, दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक उठाया और सांस छोड़ देंगे धीरे धीरे ऐसे। शुरू शुरू में अभ्यास बहुत आसान आसान से, और हर एक अभ्यास को मैं 5-5 टाइम्स रिपीट करूंगी, और आपको ये सारे अभ्यास को कम से कम 10-12 बार रिपीट करना है। इस तरीके से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, और सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से छाती के सामने ऐसे जोड़ना है ऐसे, और पैरों के बीच में उतना ही फासला रखे रहिएगा ताकि आप आराम से खड़े हो पाए। ऐसे सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है, ऐसे सांस लेंगे, पूरा हाथ को खोलना है ऐसे जिससे कि छाती पूरी खुले, और सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे ऐसे, हैंड्स इन एंड आउट, 1, 2, 3, 4 and 5 इस तरीके से। फिर दोनों हाथों को दोनों बॉडी के साइड में रख लेंगे। दो अभ्यास हो गए, तीसरे अभ्यास के लिए दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखिएगा और फिर दोनों हाथों को उठाना है, और हाथ के जो नाखून है ना वो एक दूसरे से इस तरीके से ऐसे टच करना है ऐसे इस तरीके से, और सांस को छोड़ देना है, सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है ऐसे, सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हथेलियों को मैंने थाई की तरफ रखा है, ऐसे बाहर नहीं रखा है, ऐसे रखा है, और जब हाथ उठाएंगे अभी भी हथेलियाँ जो हैं वो फ्लोर की तरफ है,
ऐसे घुमाना नहीं है, यानी ऐसे नमस्ते नहीं बनाना है, बल्कि इनको नाखून जो है, आपके नेल्स जो है, वो एक दूसरे से टच करें, ऐसे ऐसे इस तरीके से। सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। तो इसका अभ्यास भी 10 से 12 बार कर लें, और फिर उसके बाद दूसरे अभ्यास के लिए आपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने चेस्ट के सामने जोड़ना है, एंड फिर उसके बाद डायगनली मूव करेंगे। सांस लेंगे, राइट पाम गोज अप टूवर्ड द सीलिंग, लेफ्ट पाम गोज डाउन, एंड सांस को छोड़ देंगे। सांस लेंगे, पूरी छाती को ऐसे ओपन करेंगे और सांस को छोड़ देंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, लास्ट टू मोर एंड लास्ट वन मोर। इस तरीके से ओपन करें, पूरी छाती ओपन करें, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ दें। अब लेफ्ट पाम अप, राइट पाम डाउन, ऐसे डायगनली मूव करना है। 1, 2, 3, 4 and 5। तो इस तरीके से आप डायगनली जब मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा, हर एक डायरेक्शन में ऊपर नीचे ओपन क्लोज, और डायगनली मूव कर लिया अभ्यास को। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाएंगे और दोनों हाथों को छत की तरफ टर्न कर देंगे, और अपने एड़ियों और अंगूठों को जोड़ने के बाद ताड़ासन स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, और फिर हील्स को डाउन कर देंगे। अगेन स्ट्रेच योर पाम्स अप टुवर्ड्स द सीलिंग, स्ट्रेच 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 एंड हील्स डाउन। इसका भी अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार कर लें। सांस लें, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, एंड फिर उसके बाद हील्स डाउन 2 more times। इनहेल, हील्स अप, अप 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 एंड हील्स डाउन 1 more time। हील्स अप, अप 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 एंड हील्स डाउन। इस तरीके से तो कंधों के आसपास बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे आप। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजीशन पे फिर से लेके आएंगे, और फिर उनके बाद इनको 360 डिग्री घुमाएंगे ऐसे। 1, अगर आपके कंधे में ऑलरेडी दर्द है तो फिर इस प्रैक्टिस को आप स्किप कर सकते हैं इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, अभी साथ साथ घुमा रहे हैं, फिर ऑल्टरनेट घुमाएंगे ऐसे, शोल्डर रोटेशन, और फिर इसके बाद ऑपोजिट ऐसे। 1, 2, 3, 4 and 5। 360 डिग्री रोटेट करने के बाद अब ऑल्टरनेट मूव करते हैं। तो आप दाहिने हाथ को ऐसे आगे रखिए, बाएं हाथ को ऐसे पीछे रखिए इस तरीके से, और स्विमिंग करेंगे कैसे, ऐसे 1, 2, 3, 4 and 5। फॉरवर्ड स्विमिंग हो गई, अब बैकवर्ड स्विमिंग करेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4 and 5। इस तरीके से अभ्यास करने के बाद शोल्डर्स बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से फंसा लें ऐसे, इस तरीके से। नाउ टर्न योर पाम्स आउट 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 आउट, और इस तरीके से आगे की तरफ खींचें ऐसे। बॉडी को ना खींचने दें, लेकिन बॉडी को स्टेबल रखें, सिर्फ हाथ को खींचने दें आगे की तरफ ऐसे, होल्ड करें 1, 2, 3, 4 and 5। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे आप बॉडी के पीछे एक दूसरे के साथ जोड़ें, और उंगलियों को फंसा लें ऐसे। उंगलियों को फंसाने के बाद शोल्डर्स को रोल बैक करें, और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं, और हो सके तो ऐसे सीलिंग की तरफ देखें, जिससे चेस्ट और ओपन हो और कंधे और खींचे। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, और फिर उसके बाद रिलैक्स कर दें। आइए अभ्यास करते हैं अर्धकटी चक्रासन का। अपनी एड़ी और अंगूठों को जोड़ लिया इस तरीके से, मैट पर खड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट पाम को थाई के पास इस तरीके से जुड़ा हुआ रहने दें, और फिर उसके बाद आपके राइट बाइसेप को कान के पास लेके आए, और हाथ को छत की तरफ खींचे ऐसे, खींचे 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 खींचे, और फिर उसके बाद ऐसे लेफ्ट साइड आप बेंड हो जाएं, बेंड हो जाएं, बेंड हो जाएं, और चेहरे को घुमा दें छत की तरफ, होल्ड करें 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर उसके बाद सेंटर पे आए और फिर धीरे से हाथ को अपने राइट पाम को अपने राइट थाई से जोड़ दें। इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड करेंगे। धीरे से अपने हाथ को लेफ्ट हाथ को छत की तरफ उठाया 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 और हाथ को पहले खींचा छत की तरफ खींचा 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 और फिर उसके बाद धीरे से राइट साइड ऐसे बेंड हो गए चेहरे को घुमा दिया छत की तरफ। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो इतना मात्र अभ्यास जब आप अर्धकटी चक्रासन का करते हैं तो आपके कंधे के साथ साथ आपकी राइट साइड की बॉडी और लेफ्ट साइड की बॉडी दोनों एक्टिवेट होगी और साथ ही इस अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी पर इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। रीढ़ की हड्डी भी लचीली होगी यानी बैक पेन से भी ओवरकम होने में बहुत मदद मिलेगा और साथ ही इस अभ्यास से आपका तंत्रिका तंत्र जो है वो भी मजबूत होगा। इस तरीके से बस इतना अभ्यास 3 to 5 times ऐसे कर लेना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बोथ। और साथ ही इस अभ्यास से आपकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे, एंड फिर उसके बाद रिलीज कर दें। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से संचालित किया जाता है जिससे कि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आप मेरे साथ जुड़ के मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास कर सके। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में आप क्या क्या सीखेंगे? इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, आपको पूरी तरीके से फुल बॉडी का डिटॉक्स किस तरीके से करेंगे, बॉडी की क्लींजिंग कैसे करेंगे, रिलैक्सेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हर दिन अलग अलग तरीके की क्लासेस होती हैं, 1 घंटे की क्लास होती है और इन क्लासेस को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर किसी हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, इरेगुलर पीरियड्स, फाइब्रॉइड का दिक्कत है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रात में नींद नहीं आती है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या, वेट गेन करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं या कि फिर आपको शारीरिक किसी भी तरीके की दुर्बलता है, शरीर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और भी ज़्यादा फ्लेक्स करना चाहते हैं तो ये क्लासेस हाईली रिकमेंड है आप सभी के लिए। जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ना उनको ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ मिले हैं, शारीरिक भी और साथ ही आध्यात्मिक भी। अगर किसी कारण से आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे द्वारा कुछ कोर्सेस मैंने ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो कि कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं, 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, इनमें भी आप आसन, प्राणायाम और ध्यान कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं और एक्सक्लूसिव वीडियो हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा जो कोर्स डिज़ाइन किया है वहाँ पर आपको मिल पाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी कैसे मिल पाएगी तो डेफिनेटली आपको मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट करनी चाहिए जो कि है www.yogawithshahida.com या कि फिर यहाँ पर मैं ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी आपके मोबाइल पर भेज दी जाए। जाइए अभी चेकआउट कीजिए। तो कंधों के अराउंड ना इतना अभ्यास करने मात्र से आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले अभ्यास की तरफ जो कि शोल्डर्स के अराउंड की स्टिफनेस को और कम करेगी। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कभी पहाड़ में चढ़ने का मौका मिला हो या कि फिर किसी बड़े पेड़ पर चढ़ने का मौका मिला हो या रस्सी से लटकने का मौका मिला हो तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करेंगे रजू कर्षण आसन। रजू का मतलब होता है रस्सी, कर्षण मीन्स खींचना। तो इमेजिन कीजिए कि आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग या किसी दीवार या किसी पहाड़ से लटक रहे हैं और सामने आपके एक रस्सी लटकी हुई है, उस रस्सी को आपको मजबूती से पकड़ना, इस तरीके से हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएं और उस रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए ऐसे इमेजिन करें कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और अपने पेट को आप टाइट करके रख रहे हैं, एंगेज करके रख रहे हैं। इस तरीके से हाथ को पूरा ऊपर खींचिए, ऊपर देखिए, 1 2 1 2
वन हाथ पूरा ऊपर की तरफ उठाएगा, टू वन टू वन टू वन टू। और मैंने बहुत से लोगों को गलती करते हुए क्या देखना, हाथ को बहुत धीरे धीरे उठाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो जैसे गाय का दूध निकालते हैं उस तरीके से अभ्यास हो जाएगा। इस तरीके से दोहन की क्रिया नहीं करनी है बल्कि खींचना है, रजुकर्षणासन इस तरीके से ऐसे, ताकि पूरे की पूरी बैक मसल्स जो है उनका कड़ापन कम हो, कंधों का कड़ापन कम हो, इस तरीके से ऐसे। खड़े होकर अभ्यास नहीं कर सकते तो आराम से कुर्सी पर बैठ के इनका अभ्यास कीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। आप सभी ने कभी ना कभी बचपन में धनुष और बाण वाला खेल तो खेला होगा, धनुष चलाने वाला। तो आपने क्या करना है, उसी को फिर से इमेजिन करना है। तो इमेजिन करना है कि आपने अपने दाहिने हाथ पर धनुष को पकड़ा हुआ है। धनुष को मजबूती से पकड़ने के बाद आपने अपना बाण निकाला और उसकी जो रस्सी है उसमें बाण को फंसाने के बाद निशाना बनाइए। तो दाहिने हाथ की राइट पाम की आपने मुट्ठी बना ली इस तरीके से निकाला और धनुष की जो सूतली है, रस्सी है, उस पर आपने उस बाण को फंसाने के बाद इस तरीके से धीरे से उसको खींचा। इस तरीके से जितना हो सके लेफ्ट हाथ से खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए और अपने नज़र को एक एक लक्ष्य पर निर्धारित कर दीजिए। इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, आप और भी ज़्यादा फोकस्ड होंगे ऐसे, और उस निशाने पर रखते हुए फिर उसके बाद छोड़ दें। दोबारा इसी तरीके से वन टू एंड थ्री, नीचे की तरफ मत रखिएगा, इस तरीके से ऐसे मत रखिएगा, पूरा कंधे के लेवल तक हो और फिर उसके बाद पूरा जहां तक खींच के ले जा सके ताकि निशाना बहुत सटीक लगे, ऐसे छोड़ना है इस तरीके से 5 से 10 बार ऐसे। फिर उसके बाद लेफ्ट हाथ को आगे रखा, मुट्ठी बना ली और फिर उसके बाद आपने राइट हाथ से ऐसे उठाया, वन टू और थ्री। ऐसे खींचने से चेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो रही है और शोल्डर्स भी इस तरीके से, वन टू वन एंड टू। एक्सीलेंट, इतना अभ्यास करने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपके शोल्डर्स तो फ्लेक्सिबल होंगे ही होंगे और दर्द अभी तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा कि दर्द में कितना आराम मिल गया है। अब वापस से दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाइए, अपने हील और टो को एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिए, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड्स द सीलिंग और फिर से स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, हील को उठाएं 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 और फिर हील को ड्रॉप कर दें, ताड़ासन स्ट्रेच। फिर से हील को उठाएं 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 और फिर उसके बाद इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर लें ऐसे, इस तरीके से खींचे 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 और फिर हील को ड्रॉप कर दें। दूसरा अभ्यास जो किया था, उंगलियों को फंसाएं, टर्न योर पाम्स आउट और इस तरीके से आगे की तरफ खींचने दें, खींचने दें, खींचने दें, खींचने दें, खींचने दें और फिर अब पीछे की तरफ दोनों हाथों को बॉडी के पीछे लेके गए, शोल्डर्स को रोल बैक किया और दोनों हाथों को इस तरीके से एल्बो से सीधा किया और फिर उसके बाद छत की तरफ देखें 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 एंड रिलैक्स। शोल्डर्स को लूजन करें, लूजन करें, लूजन करें, लूजन करें, लूजन करें एंड दैट्स इट। अभ्यास कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ ये अभ्यास करने के बाद। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने ये सारे अभ्यास आपको सिखाए समझाए। आशा करती हूँ सारे अभ्यास आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब खुद इन अभ्यासों को निरंतर करिएगा, तभी जाके आपके कंधों का दर्द छूमंतर होगा। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। और इन अभ्यासों को निरंतर करते रहिएगा। एक बार और याद दिला दूं, वीडियो को अंत तक देख ही रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और ये वीडियो खुद देख कर मत रुक जाइएगा यहाँ तक। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खूब फॉरवर्ड कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि उनको भी कंधों के दर्द से आराम मिले। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्ते।